फैक्टर्स अफेक्टिंग कंजम्पशन एंड सेविंग करंट एंड एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम वेल्थ इंटरेस्ट रेट ये स्टूडेंट्स हमने लास्ट मॉड्यूल में देखा था कि किस तरह से ये वेरिएबल्स करंट इनकम एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम चेंज इन वेल्थ चेंज इन इंटरेस्ट रेट ये सब चीज़ें किस तरह से थ्योरेटिकली हमने डिस्कस किया था किसी भी इंडिविजुअल की कंजम्पशन और सेविंग को अफेक्ट करते हैं तो आज हम एक नमेरिकल एग्ज़ाम्पल से ये सारी चीज़ें दोबारा समझेंगे सो so, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं एक स्टूडेंट है वो टू टाइम पीरियड्स के लिए प्लान कर रहा है टू ईयर्स के लिए प्लान कर रहा है इन टू ईयर्स में उसके इनकम उसे मालूम है और वो दोनों सालों में हम एज्यूम कर रहे हैं कि पहले साल में वाई वन इनकम इन फर्स्ट ईयर एंड वाई टू तो इनकम इन सेकेंड ईयर आर सेम एंड इट इज़ फिफ्टी थाउजेंड इंटरेस्ट रेट इज़ गिवन एंड इट इज़ टेन परसेंट दूसरे साल स्टूडेंट प्लान कर रहा है कि उसने अपनी ट्यूशन फी पे करनी है और उसकी अमाउंट है ट्वेल्व थाउजेंड एंड सिक्स हंड्रेड और हम ये आज्यूम कर रहे हैं कि स्टूडेंट जो है जो प्लान कर रहा है ये वो चाहता है कि उसके दोनों सालों में कंजम्पशन सेम रहे यानी पहले साल जो कंजम्पशन लेवल है दूसरे साल भी वही रहे और वो जो ट्यूशन वाली पेमेंट है वो अपने दूसरे साल की कंजम्पशन में शामिल नहीं कर रहा है वो इसके अलावा उसने पेमेंट करनी है सो एट दिस मोमेंट देर इज़ नो एसेट एंड नो लाइबिलिटी सो एसेट एंड डेट इज़ ज़ीरो इस सारी बात को आप जहन में रखेंगे तो आप उसकी इक्वेशन क्या बन रही है वाई वन इनकम इन द फर्स्ट पीरियड माइनस सी कंजम्पशन इन द फर्स्ट पीरियड ओके और वाई वन में से सी माइनस करेंगे तो दिस विल बी द सेविंग इन पीरियड वन और ये जो सेविंग होगी ये आज सेव करेगा और उसे लोन आउट कर देगा इस पर वो इंटरेस्ट अर्न करेगा तो नेक्स्ट पीरियड में कि ये वन प्लस आर टाइम्स उसे अमाउंट मिलेगी यानी आज अगर वो सौ रुपए सेव करता है और इंटरेस्ट रेट अगर फाइव परसेंट है या जैसे हम एज्यूम कर रहे हैं टेन परसेंट है तो एक साल के बाद उसे आज का सौ रुपये उसे एक सौ दस रुपये की सूरत में मिलेगा प्लस वाई टू माइनस सी सेकेंड ईयर उसकी इनकम और सेकेंड ईयर की कंजम्पशन में दिस विल बी दंग ऑफ द सेकेंड ईयर और सेकेंड ईयर में जाकर यानी पीरियड वन में जो उसने सेव किया था वो वाली अमाउंट उस पर जो उसे इंटरेस्ट मिला वो वाली अमाउंट और सेकंड पीरियड में जो वो सेव करेगा ये सब मिलाकर वो ये किस लिए कर रहा है कि उसने ट्यूशन फ़ी पे करनी है उसको हम टी से डिनोट कर रहे हैं जो हम अज्यूम कर रहे हैं कि उसने बारह हज़ार छः सौ रुपया उसने ट्यूशन फी पे करनी है तो ये ये केस हम स्टडी करना चाहते हैं ओके okay. सो so, इस सिनेरियो में उसकी कंजम्पशन क्या होगी पीरियड वन में और पीरियड टू में और हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं सी वन इजिकल टू सी टू हम ये फाइंड करना चाहते हैं और जब हमने सी वन फाइंड कर लिया तो इससे हमें उसकी सेविंग इन पीरियड वन हम मालूम कर सकेंगे सो so, उस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं फिफ्टी इज़ द इनकम इन पीरियड वन माइनस सी वन ओके सो ये पैरेंथिस में ये क्या है ये पीरियड वन की उसकी सेविंग है और इसको हम वन पॉइंट वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वाई बिकॉज टेन परसेंट इज द इंटरेस्ट रेट सो वन प्लस आर वन प्लस पॉइंट वन सो दिस दिस इज वन पॉइंट वन सो ये उस इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई कर रहे ताकि हम इसकी एक साल के बाद जो उसकी फ्यूचर वैल्यू है वो हम इससे फाइंड आउट करेंगे प्लस फिफ्टी थाउजेंड इनकम इन द सेकेंड पीरियड माइनस सी टू कन्जम्पन इन सेकेंड पीरियड सो उसमें से माइनस करेंगे दिस विल बी द सेविंग ऑफ द सेकेंड पीरियड और इसको हम 1.1 से मल्टीप्लाई नहीं करें क्योंकि ये तो सेकेंड पीरियड में है ऑलरेडी अमाउंट और सेकेंड पीरियड में ही उसने अपने ट्यूशन फी पे करनी है तो इस पर तो उससे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ना पीरियड वन में जो सेव करेगा उस पर वो इंटरेस्ट अन करेगा इसलिए उसको पीरियड वन की सेविंग को वन से मल्टीप्लाई किया और पीरियड टू की सेविंग को हमने मल्टीप्लाई नहीं किया सो so, इन दोनों सेविंग्स को हम एडप करेंगे तो ये किसके इक्वल होना चाहिए ये जो उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसने ट्वेल्व थाउजेंड एंड सिक्स हंड्रेड उसने ट्यूशन पे पे करनी है ये उसके बराबर होना चाहिए ओके okay? तो इसको हम एक दो स्टेप्स में इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में देखें फिफ्टी थाउजेंड को वन पॉइंट वन से मैंने अलग अलग से मल्टीप्लाई कर दिया सी वन को अब C1 और C2 का जो वन और टू जो है ये मैं ड्रॉप कर रहा हूँ इसलिए ड्रॉप कर रहा हूँ कि C1 वन एंड सी दोनों इक्वल हैं तो हम इसे C के इक्वल हम अज्यूम कर सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू तो C कॉमन वैल्यू सो इसको आप एक और स्टेप इसे करेंगे सिंपल कैलकुलेशन है तो इसके नतीजे में आपके पास C1 की वैल्यू आ जाएगी फोर्टी ठीक है तो सेविंग कैलकुलेट करने के लिए वाई में से सी माइनस कर दिया फिफ्टी थाउजेंड माइनस फोर्टी फोर थाउजेंड तो पहले साल वो सिक्स थाउजेंड सेव करेगा और दूसरे साल वो कितनी सेविंग होगी तो हारा दूसरे साल भी उसकी यही होगी तो दूसरे साल भी वो सिक्स थाउजेंड ही सेव करेगा तो टोटल उसकी अगर आप उसकी इनका सिंपल सम लें यानी सिक्स प्लस सिक्स तो ये ट्वेल्व थाउजेंड बन रहा है जबकि उसने पेमेंट करनी है ट्वेल्व थाउजेंड एंड सिक्स हंड्रेड तो 600 हंड्रेड कहाँ से आएंगे उसके पास 600 हंड्रेड आएंगे क्योंकि पहले साल उसने जो 6000 थाउजेंड पे किया था उस पर उसे 10 परसेंट इंटरेस्ट रेट मिलेगा ओके सो so, वो 6000 का 10 परसेंट सिक्स बन रहा है तो इस तरह से उसके पास टोटल सेकेंड पीरियड के एंड पर सेकेंड पीरियड में उसके पास ट्वेल्व थाउजेंड एंड सिक्स हंड्रेड रुपीज होंगे जिससे वो अपनी ट्यूशन फी पे कर सके तो ये हम हम पहला सिनेरियो ओके अब हम देखना चाहेंगे कि जब करंट इनकम में इजाफा होता है तो वो किस तरह से कंज्यूमर के कंजम्पशन और सेविंग के फ़ैसलों पर असरअंदाज होगा करंट इनकम अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि इट इज़ फिफ्टी फोर थाउजेंड एंड टू हंड्रेड इनिशियली हमारी क्या थी एजम्शन कि इनकम उसकी दोनों सालों में फिफ्टी थाउजेंड थी तो अब उसकी पहले साल की इनकम फिफ्टी थाउजेंड से बढ़कर 54,200 होगी तो उसी इक्वेशन में ये वैल्यूज़ हम पुट कर रहे हैं 50 की बजाय 54,200 और बाकी वैल्यूज़ वही हैं और इसको आप कैलकुलेट करेंगे सिंपल प्लस माइनस करने से तो ये आपके पास कंजम्पशन पीरियड वन के लिए आ जाएगी 46,200 एंड और सेविंग 54 में से इनकम उसकी बढ़ गई थी 46 सिक्स माइनस की तो 8000। अगर आपको याद हो कि के पहले केस में क्या था कि उसकी सेविंग 6000 थी तो करंट इनकम के बढ़ने से अब उसकी पीरियड वन की सेविंग बढ़ गई है जो हम थ्रेटिकली भी हमने डिस्कस किया था कि जब इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन और सेविंग दोनों साइमल्टेनियसली बढ़ती हैं तो इनकम के बढ़ने से उसकी कंजम्पशन भी बढ़ गई है और उसकी सेविंग में भी इजाफा हो गया दूसरा केस हम लेंगे जिसमें फ्यूचर इनकम बढ़ती है लास्ट में क्या था करंट इनकम बढ़ी थी तो अब वाई टू इनक्रीज़ हो रही है इंस्टेड ऑफ वाई वन फिफ्टी फोर थाउजेंड टेंट टू हंड्रेड तो वही इक्वेशन हम बार बार यूज़ कर रहे हैं पहले पीरियड की इनकम है ठीक है वन पॉइंट वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हम देख सकें कि ये पहले पीरियड की सेविंग जब पीरियड टू में जाएगी तो उससे हमें टोटल क्या मिलेगा सो इनकम इन द सेकेंड पीरियड ओके एंड ये ये सब सेविंग आपके पास किसके इक्वल होनी चाहिए जो उसने पे करनी है ट्यूशन फी ट्वेल्व थाउजेंड एंड सिक्स हंड्रेड तो ये आप कैलकुलेशंस करेंगे तो इसके नतीजे में आपके पास पीरियड वन की जो कंजम्पशन है वो फोर्टी सिक्स थाउजेंड कन्जम्पन आप दोनों पीरियड में पीरियड वन और पीरियड टू दोनों में सेम है तो ये कंजम्पशन की वैल्यू आ गई फोर्टी सिक्स थाउजेंड तो पीरियड वन की सेविंग कैलकुलेट करने के लिए वाई वन में से हम कंजम्पशन माइनस करेंगे फिफ्टी थाउजेंड इनकम थी फोर्टी सिक्स तो अब आपके पास सेविंग रह गई है फोर थाउजेंड ओके क्या इससे पता चला कि अब चूंकि उसकी करंट इनकम नहीं बढ़ी थी, थी उसकी फ्यूचर इनकम बढ़ी थी उसकी वजह से अब वो अपने आप को पहले से रिच फील कर रहा है तो उसने करंट पीरियड में पीरियड वन में उसने अपनी कंजम्पशन बढ़ा दी है और सेविंग कम कर दी है तो सिक्स थाउजेंड की बजाय अब ये फोर थाउजेंड होगी जब करंट इनकम बढ़ी थी तो उसकी सेविंग बढ़ गई थी कन्जम्पन तो दोनों सूरतों में बढ़ी थी करंट इनकम के बढ़ने से भी बढ़ी थी और फ्यूचर इनकम के बढ़ने से भी बढ़ रही है लेकिन सेविंग पर इम्पैक्ट डिफरेंट हो रहा है करंट इनकम के बढ़ने से उसकी करंट सेविंग बढ़ी थी लेकिन फ्यूचर इनकम के बढ़ने से उसकी करंट सेविंग कम होगी ओके नेक्स्ट केस हम ले रहे हैं कि अगर उसकी वेल्थ में इजाफा हो जाता है सपोज उसको इनहेरिटेड इनहेरिटेंस से कुछ अमाउंट रिसीव होती है और वो अमाउंट है पीरियड वन में उसे मिल रही है और वन थाउजेंड एंड फिफ्टी रुपीज़ की अमाउंट उसे मिल है। तो ये अमाउंट जो है ओबियसली उसकी इनकम नहीं है ठीक है मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इनकम और वेल्थ दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है तो ये जो इनहेरिटेंस से उसे अमाउंट मिल रही है ये उसके वेल्थ में इजाफे का बायस बन जाएगी तो अब अब क्या केस हो अब पीरियड वन में उसके पास क्या रिसोर्स अवेलेबल होंगे एक तो पीरियड वन में वो अर्न करेगा बाई वन अमाउंट फिफ्टी थाउजेंड जो है ठीक है और प्लस अब इसके पास ये जो इनहेरिटेड अमाउंट आ गई है जिसको हम वेल्थ कह रहे हैं 1050 और ये आपके उसके पास अब टोटल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं पीरियड वन में इसमें से कुछ वो खर्च कर देगा और बाकी जो बचेगा दिस विल बी द सेविंग ऑफ पीरियड वन इसको अगेन हम 1.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि इसकी फ्यूचर वैल्यू हम डिटर्मन कर सके सेकेंड पीरियड की इनकम इनकम तो दोनों पीरियड में सेम है पीरियड वन में भी फिफ्टी है पीरियड टू में भी फिफ्टी है और ये 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 रेंथिस में वैल्यूज की सेकंड पीरियड की सेविंग आ जाएगी और ये सारी सेविंग किसके इक्वल होना चाहिए जो उसने बारह हज़ार छः सौ रुपये पे करना है उसके इक्वल होनी चाहिए तो इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से आपके पास पीरियड वन की कंजम्पशन आ जाएगी फोर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी तो इससे आप सेविंग सेविंग कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे हमेशा इनकम में से कंजम्पशन माइनस करेंगे सो इनकम फिफ्टी थाउजेंड थी कंजम्शन फोर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी है तो अब उसके पास पीरियड वन में सेविंग जो है ये फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी है तो क्या हुआ सेविंग के साथ वेल्थ के इंक्रीज होने से भी उसकी सेविंग कम होगी इनिशियली उसकी सेविंग कितनी थी सिक्स थाउजेंड और अब यह सिक्स थाउजेंड से कम होकर उसकी सेविंग पांच हजार चार सौ पचास रुपये रहेगी ओके सो अभी तक हम ये बात समझ चुके हैं कि करंट इनकम के बढ़ने का इंपैक्ट क्या होगा फ्यूचर इनकम के बढ़ने का इंपैक्ट क्या होगा और वेल्थ में इजाफे का इंपैक्ट उसकी सेविंग और कंजम्पशन पर क्या होगा अब लास्ट में हम ये देखना चाहते हैं कि अगर उसकी ट्यूशन फी फॉर एग्ज़ाम्पल जिस मकसद के लिए वो सेव कर रहा था अगर उसमें किसी वजह से इजाफा हो जाता है और अब उसे बारह हज़ार छः सौ बजाय चौदह हज़ार सात सौ रुपया उसे पे करने तो अब उसका सारा जो कंजम्पशन और सेविंग प्लान होगा वो अकॉर्डिंगली चेंज होना चाहिए ताकि दूसरे पीरियड के एंड तक उसके पास ये रिक्वायर्ड अमाउंट अवेलेबल हो सो so, बाकी चीज़ें वही हैं इनकम पीरियड वन की फिफ्टी थाउजेंड है सेकंड की फिफ्टी थाउजेंट है इंटरेस्ट रेट टेन परसेंट है तो उस इक्वेशन में ये वैल्यू सपोर्ट करने से आप पीरियड वन की कंजम्पशन उसकी फोर्टी होगी और जब आप उसमें से सेविंग कैलकुलेट करेंगे तो सेवन होगी तो अब चूँकि उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है पहले से ज़्यादा पैसे उसे चाहिए सेकेंड पीरियड के लिए तो इसलिए उसकी सेविंग भी अब पीरियड वन में चेंज हो जाएगी छः हजार की बजाय अब उसे सात हज़ार रुपये सेव करना पड़ेंगे और इसी तरह हम देख सकते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट में चेंज आ जाए तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा उसके सेविंग और कंजम्पशन पर इंटरेस्ट रेट हमने पहले एज्यूम किया था टेन परसेंट और अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये इंक्रीज़ होकर ट्वेंटी फाइव परसेंट होगा तो बाकी वैल्यूज इक्वेशन में वही हैं वाई वन वाई टू एंड दिस जो रिक्वायर्ड अमाउंट भी हम पहले वाली ले रहे हैं बारह हज़ार छः सौ रुपए और अब हम इसको पहले पीरियड की सेविंग को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.25 से पहले हम किससे करते थे 1.1 से बिकॉज 10 परसेंट पास द इंटरेस्ट रेट नाउ इट इज़ 25 फाइव परसेंट सो ये कैलकुलेशन करने के नतीजे में सी की वैल्यू ये आ जाएगी फोर्टी फोर थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड और इससे आप सेविंग कैलकुलेट करेंगे तो ये फिक फिफ्टी सिक्स हंड्रेड आ जाएगी इनिशियली सेविंग किया थी सिक्स थाउजेंड ठीक है अब जब इंटरेस्ट रेट टेन परसेंट था तो उसे अपने रिक्वायर्ड अमाउंट के लिए पहले साल कितना सेव करना पड़ रहा था सिक्स थाउजेंड अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से अब उसे पहले से वो कम सेव करने करना पड़ रहा है और सिक्स थाउजेंड के बजाय फाइव हंड्रेड एंड फाइव थाउजेंड एंड सिक्स हंड्रेड वो सेव करेगा तो वो अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट पूरी कर सकेगा तो इस तरह से हमने इस नमेरिकल एग्जाम्पल से हमने समझा कि करंट इनकम फ्यूचर इनकम वेल्थ और जो रिक्वायर्ड आपका टारगेट है फॉर एग्ज़ाम्पल एक एम्प्लाई इंप्ला, है वो अपने रिटायरमेंट पर अपने घर बनाने के लिए सेव करना चाहता है तो आप ये एग्जाम्पल भी ले सकते हैं तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था पहले ठीक है और उसके मुताबिक उसकी क्या सेविंग की रिक्वायरमेंट थी जब इन्फ्लेशन की वजह से उसकी घर की अमाउंट में इजाफ़ा हो जाएगा तो फिर उसके कंजम्पशन और सेविंग पैटर्न किस तरह से इफ़ेक्ट होंगे? तो इस तरह के एग्जांपल से हम ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं थैंक यू